जोहार, मेरा नाम दिव्या बांड्रा है। मैं मिस पहाड़ ट्राइबल ब्यूटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। ये IGTV बनाने का एक रीज़न है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप बाहर के बारे कुछ अपना एक्सपीरियंस बता, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आप वो शो पे कैसे पहुंची और जीते तो आपको विनिंग अमाउंट कितना दिया गया या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं। लोगों ने बहुत सारे DMs किए थे तो मैंने सोचा कि ये IGTV बनाती हूँ। एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक IGTV बनाती हूँ। तो बाहर में मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है, मैं आप लोगों को बताऊँगी सच्चाई यहाँ पे मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं विनर हूँ और जो विन किए हैं, जो मिस कैटेगरी की थी उन्हें 75,000 दिए जाने का वादा किया गया था और जो मिसेस थी उन्हें 35,000 देने का वादा किया गया था। ऐसे डोमन टुडू सर ने वादा किए थे कि सबको जो विन करेंगी उन्हें देंगे, उन्हें वो देंगे हमें। और ये चीज़ एग्रीमेंट में भी मेंशन था कि जो भी विन करेंगी उन्हें दिया जाएगा। आप लोगों को मैं एग्रीमेंट दिखाती हूँ। ये उस टाइम का एग्रीमेंट है जब हम लोग का ऑडिशन हुआ, हम लोग सिलेक्ट होके आगे आए तो उन्होंने 35 गर्ल्स को सिलेक्ट किया। उसमें उन्होंने हमसे कहा 10,000 को सबमिट करना है सबको, तो हम लोग सबमिट किए। उस टाइम ये एग्रीमेंट भेजा गया और इस एग्रीमेंट में आप लोग साफ देख रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि विनिंग अमाउंट मिस को और मिसेस को कितना देना है करके। और उसके बाद हम लोगों ने 5 दिन का ग्रूमिंग क्लास लिया। 5 दिन का ग्रूमिंग क्लास हुआ। फिर जिस दिन शो होने वाला था उसके एक दिन पहले रात में हमें डोमन टुडू सर ने पेपर्स लेके आए और उन्होंने कहा कि आप लोग सभी इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि ये कौन सा पेपर है और क्यों सिग्नेचर करना है इस पे। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये वो पेपर है, वही सेम एग्रीमेंट है, बस इस पर आप लोगों का सिग्नेचर चाहिए, एज अ प्रूफ प्रूफ रहना चाहिए। हम लोगों ने कहा ओके सर। देन उन्होंने एक बात उस टाइम कही कि अगर इस पर आप लोग सिग्नेचर नहीं करोगे तो कल के शो पे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और आपके मनी वापस रिफंड भी नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन था हम लोगों के पास कि ना सिग्नेचर नहीं करेंगे तो कल का शो में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और इवन हम लोग को जितना 10,000 दे के आए हैं वो हमें वापस रिफंड भी नहीं होगा। इवन पेरेंट्स तक को कॉल करने का टाइम नहीं दिया गया। देन उसके बाद हम लोगों ने सिग्नेचर किया। तो बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्हें पता नहीं था कि उस चीज़ वो एग्रीमेंट पेपर में चेंज किया गया, उसमें विनिंग अमाउंट हटा दिया गया है। और सर ने हमसे धोखे से सिग्नेचर कराया। और उसके बाद जब हम लोग रूम गए तो कोई गर्ल थी जो फ़ोटो क्लिक करके लाई थी रूम पे, तो उसमें देखा तो सर से पूछे सर आप ऐसे क्यों किए। तो सर कह बोल रहे हैं कि कोविड के वजह से मुझे स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए और कोविड के वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा और लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों मैं विनिंग अमाउंट या फिर जो भी मैं जो अपने तरफ जितना कर पाऊँगा मैं करूँगा। तो हर चीज़ इतने प्रोफेशनल वे में करते हैं तो एक काम नहीं कर सकते थे वो कि एक मीटिंग अरेंज करते और सारी गर्ल्स को बताते कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। और उस टाइम टाइम उस समय इतना भी नहीं समझे और हम लोगों को बोलते कि आप लोग सिग्नेचर नहीं करोगे तो सो नहीं कर पाओ और रिफंड भी नहीं होगा 10,000। हम लोग भी तो कोविड के टाइम ही पैसे दिए थे 10,000। वो तो बोल रहे हैं कोविड के इशू बना रहे हैं, तो इतना ही इशू है कोविड का तो सो ही क्यों करा है, सो नहीं कराना चाहिए था उनको उस टाइम पे। फिर उन्होंने एग्रीमेंट पे ऐसे सिग्नेचर कराया, ना पेरेंट्स तक को कॉल करने का टाइम दिया ना कुछ, हमसे सिग्नेचर कराएगा। बहुत सी गर्ल्स को तो अभी तक भी पता नहीं है ये बात कि उसमें हटाया क्या गया था। देन उनको लगता है कि विनिंग अमाउंट बहुत छोटी बात है या फिर क्या समझते पता नहीं, बट हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। कहीं ना कहीं हर गर्ल सोच के आई थी कि चलो मैं जीतूंगी तो वो 75,000 मुझे मिलेगा, उससे मैं कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन वो तो देने से ही इनकार करती है। हमेशा बोलते हैं कि कोविड है मैं नहीं दे पाऊँगा, ये स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए। तो एक ही था तो सॉल्यूशन, 5 दिन थे, स्टार्टिंग में भी बता सकते थे ये बात। तो उस टाइम हम लोग सोचते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दिमाग से मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि मैं ऐसे दिन बोलूँगा जिस दिन और ऐसे बोलूँगा कि जिस दिन गर्ल्स लोग ना पीछे जा पाए ना आगे जा पाए, ये करूँगा सोच के उन्होंने
उस दिन लास्ट दिन हम लोगों से सिग्नेचर कराया। जब मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कॉल करके कहा कि विनिंग अमाउंट कब दोगे, जब 4 महीने बीत चुके थे उसके बाद, तो वो मेरे पेरेंट्स को बोला, मैं तो गर्ल्स लोग को बता चुका था कि मैं विनिंग अमाउंट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये बात बहुत बाद में बोले, बोले भी नहीं, बस एज अ बात बात में बोल दिए कि स्पॉन्सर लोग छोड़ दिए, कोविड का इशू बना दिए थे। तो फिर मेरे पेरेंट्स बोले, ऐसे कैसे जब एग्रीमेंट में मेंशन था और अचानक से चेंज करोगे, वो भी पेरेंट्स को भी नहीं पता ये बात। तो उन्होंने कहने लगा, मैं तो गर्ल्स लोग को रिवाइज करा दिया हूँ और काट दिए कॉल, और मेरे पेरेंट्स का नंबर ब्लॉक कर दिए। मैंने बहुत कॉल किया, मेरा कॉल भी नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने हमें पोर्टफोलियो देने का वादा किया था, जो कि 4 महीने हो गए, फ़ोटोज़ अभी तक नहीं भेजे हैं। हम लोग इतने ग्रुप में मैसेजेस किए कि सर कब भेजोगे आप फ़ोटोज़, इतने दिन हो गए हैं। तो वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं कल परसों में भेज दूँगा। हम लोग इंतज़ार करते कल परसों, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ मैं भेज रहा हूँ, थोड़ा दिन इंतज़ार करो। ऐसा ऐसा करते करते 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक नहीं दिए हैं फ़ोटोज़। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, तुम लोग अपना अपना जीमेल्स वगैरह सेंड करो, मैं उसमें दे देता हूँ। शायद वो इसलिए मांगे क्योंकि कुछ दिन लड़कियाँ चुप रहे। फिर हम लोगों ने जीमेल्स वगैरह सेंड किए, फिर 2-3 दिन वेट किए, फिर भी फ़ोटोज़ नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि फ़ोटोग्राफ़र के घर में 3 लोगों का डेथ हो गया है कोविड के वजह से। ये रियलिटी है या झूठ है पता नहीं, वो सच बोल रहे झूठ बोल रहे वो उन्हीं को पता है। देन उसके बाद एक सबसे बड़ी बात, जब शो वगैरह सब ख़त्म हो गया, तो उनकी जो को होस्ट है लक्ष्मी मांडी, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, आपको बोल्ड शूट करना है। तो मैंने बोला, किसने बोला बोल्ड शूट करने के लिए? तो उन्होंने मुझे कहा कि डोमन टुडू सर ने मुझे कॉल करके कहा कि दिव्या को बोलो बोल्ड शूट के लिए। तो मैंने डोमन टुडू सर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया, सर बोल्ड शूट क्यों? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो कोई बोल्ड शूट के बारे बोला नहीं। तो मैंने बोला कि लक्ष्मी तो मुझे आके बताई। तो लक्ष्मी बोल रही है कि तुम डोमन सर को क्यों बताई, इतनी बड़ी बात है। और बाद में बोलती है कि ये बोल्ड शूट होगा लेकिन फ़ोटोज़ वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, वो डोमन टुडू सर के पास रहेंगे। क्यों ट्राइबल्स के शो पे बोल्ड शूट की ज़रूरत ही क्या है? ट्राइबल्स ड्रेस में इतने ड्रेसेस है, उसमें फ़ोटो शूट करा सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें बोल्ड शूट करवाना था हमसे। मैंने मना कर दिया डायरेक्ट। देन उसके बाद मुझे कहीं से पता चला कि पहले साल जो विनर्स थे, मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं से पता लगा कि उन्हें भी विनिंग अमाउंट नहीं दिया गया है, और जो पहले साल के कोरियोग्राफर थे फोटोग्राफर है, उन्हें भी पैसा अभी तक नहीं दिया गया, और इस साल के जो कोरियोग्राफर है राहुल नायक सर और फोटोग्राफर, उन्हें भी पे अभी तक नहीं किया गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर तुम मेरे नाम पे उंगली करोगी या फिर मेरे बारे किसी को उल्टा सीधा कुछ भी जो भी बाहर के बारे तुम बोलोगी सच्चाई, तो मैं तुम्हें जितना चढ़ाया हूँ उतना नीचे गिरा भी सकता, और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा उल्टा सीधा जो तो बोल के कि तुम ऐसे जीती हो वैसे जीती हो, जो मैं अभी बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो मुझे इतना गलत गलत वर्ड बोले हैं, मैं अभी बताने लायक भी नहीं है वो बात सब, मुझे इतना गंदा बोला। फिर उन्होंने मुझे इतना तंग किए कॉल कर करके इंटरव्यू के लिए, इतना बार बार कॉल करते थे कि आज इंटरव्यू है न्यूज़ 18 के साथ, कल है ये है वो है करके बहुत कॉल करते थे। मैं थंग आ गई थी, मैं कॉल भी नहीं उठाती थी। एक इंटरव्यू बोल करके वो दो दो इंटरव्यू कराते थे, जब तक इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता था वो प्यार से बात करते थे, जैसे इंटरव्यू ख़त्म हो जाता था बहुत रूडली बिहेव करते थे, और कभी भी न्यूज़ चैनल वालों के सामने हमें अपना विनिंग अमाउंट ना मेंशन करने देते थे, ना ही वो कभी वहाँ पे जिक्र किए हैं इस बात को। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमको जितना मैं उठा सकता हूँ उतना मैं गिरा सकता हूँ, ऐसे ऐसे बातें उन्होंने मुझे कही है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं गलती कर दी ये शो पे जाके, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये शो में ऐसे होता है और ऐसे हैं डोमन टुडू सर, इतने गिरे हुए इंसान हैं, तो मैं कभी ये शो कभी नहीं जाती। और उसके बाद वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, ट्राइबल्स होते हुए ट्राइबल्स को ही लूट रहे हैं, आदिवासी को आगे बढ़ाने के नाम पे वो धंधा कर रहे हैं, वो खुद का पॉकेट भर रहे हैं, वो बोलते हैं कि मैं ट्राइबल्स के लिए ये करता वो करता, वो कुछ
अच्छे नहीं करते, वो खाली अपना पॉकेट में पैसा डालते हैं। हर जगह से ट्राइबल बोलते होंगे कि ट्राइबल का सो है, हेल्प करो, स्पॉन्सर लो, लेकिन वो ये चीज़ सब, उससे उनका बिजनेस चलता है। इससे इतने गिरे हुए और इतने गंदे इंसान है डोमन टूटू सर, मैंने कभी सोचा नहीं था। और वो हर साल हर इंसान को वो धोखा देता है। मैं ये IGTV इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो पिछले साल की गर्ल्स क्यों नहीं आगे आई, क्यों नहीं बोली, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। अगर मैं आज नहीं बोलूँगी तो फिर वो ये शो फिर चलाएंगे, फिर उसके बाद और आगे जितनी गर्ल्स हमारे से इंस्पायर होके आगे जाएंगी, उन्हें भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा। इसलिए मैं बाहर के बारे सच्चाई लाना चाहती थी, इसलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि देखने के लिए कि डोमेन टूडू जैसे इंसान लोग बहुत है इस दुनिया में। अगर कोई भी शोज वगैरह या कुछ भी करने जाते हो तो पहले उस चीज़ के बारे डिटेल्स पता कर लीजिए आप, उसके बाद ही वो शो में जाइए। हम लोग भी अगर पता करके आए होते तो हम भी बेवकूफ़ नहीं बनते, लेकिन हमें पता नहीं था। हम लोगों को लगा ट्राइबल्स का शो है, चलो तो खुशी का बात है, चलो कोई तो है ट्राइबल्स को आगे बढ़ाने के लिए इतना ये कर रहा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि ये इंसान ट्राइबल्स के नाम पे धंधा करते हैं। लेकिन अभी पता चला, अभी इतना खराब लगता है सोच के कि मैं, मुझे अकेले खराब नहीं लगता, जितनी भी गर्ल्स गई थी उन वो लोग सब कहती है कि क्यों हम लोग ये शो पे गए, क्यों अपना मनी वेस्ट किए वहाँ जाके। वही मनी अगर कहीं जगह इन्वेस्ट करते तो चलो आज कुछ और होता, लेकिन नहीं, हम लोगों को इतना गंदा तरीका से उल्लू बनाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। और डोमन सर जो जैसे है ना, वो ऐसे है नहीं, बहुत गंदे इंसान है। तो मैं यही बताना, यही बाहा के बारे सच्चाई लाना चाहती थी कि बाहा वो ट्राइबल्स को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो बस अपना कमाई करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, ठगी करते हैं। और लास्ट में यही बोलूँगी कि अगर ये बाहा बंद हो जाए तो यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसे शो का क्या ज़रूरी जहाँ पे ट्राइबल्स आगे नहीं जा रहे, वो खुद का अपना निजी पर्सनल बिजनेस चला रहे इसको लेके। अगर वो सही से इस काम को करते तो हम लोग भी कितना उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन नहीं, वो सही से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो तो उल्टा खुद आदिवासियों को लूट रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई ताकि सबको बाहर का सच्चाई पता चले और कोई भी लड़की हमारे तरह आगे बेवकूफ़ ना बने। जोहार।